हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ एडेनियम सीडलिंग पे बात करने वाली हूँ कि एडेनियम सीडलिंग की हमको किस तरह से केयर करनी है और किस तरह से किस जगह पे इनको रखना है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाली सीडलिंग है आपकी, ये दिखा दो, जैसे इतनी छोटी छोटी सीडलिंग है, जिसको आप सुबह के 3-4 घंटे की सनलाइट में रखिए, 3-4 घंटे की सनलाइट में रखिए। इससे ज़्यादा तेज़ धूप अगर आप इसको देंगे तो ये मतलब स्ट्रेस में आ सकते हैं, जल भी सकते हैं। तो इतने छोटे सीडलिंग को आप सिर्फ 2-3 घंटे की धूप देंगे तो उतना काफ़ी होगा, बाकी आप सेमी शेड में रखिए। बाकी जो आपकी इस तरह की सीडलिंग है, लगभग 2-2.5 महीने की सीडलिंग हो गई है, उसको आप ऐसी जगह रखिए कि मतलब सुबह इसको भी ज़्यादा तेज़ धूप देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी धूप दीजिए कि धूप लगे आपके प्लांट में। जैसे कि आपने जहाँ पे जिस एरिया में रखा है वहाँ पे आप ग्रीन नेट या फिर कुछ भी चीज़ से कवर करिए तो आधी धूप छन करके आए, आधी धूप इनको मिलती रहे। तो मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर ये मैंने ऊपर से साड़ियों को कवर, दिन भर की धूप लगती है और 4 बजे की धूप तो बिल्कुल फुल भी लगती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पीछे से जब सूर्य आते हैं तो इधर से सारी धूप इसमें लगती है। तो इनमें लगभग मतलब पूरे दिन की धूप लगती है छन करके, आधे मतलब छन करके शाम के समय पूरी धूप लगती है यहाँ पर। तो सुबह की बहुत ज़्यादा धूप यहाँ पर नहीं लगती, सुबह की धूप थोड़ी सी कवर रहती है, उस समय यहाँ तक धूप नहीं पहुँचती है, इसलिए थोड़ा सा सुबह वाली धूप लगभग 9-10 बजे तक की धूप यहाँ पर नहीं लगती है, 11-12 बजे से यहाँ पर धूप लगती है। तो पूरे दिन भर की धूप लगती है और प्लांट कितने अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, कुछ स्ट्रेस में भी हो जाते हैं, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं। देखिए इनकी ग्रोथ इस तरह से हो रही है, कुछ प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, कुछ ख़राब भी हो रहे हैं और कुछ की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट हैं। तो सब पे अलग अलग असर होता है, सब में अलग अलग मतलब कि धूप का, पानी का, सब चीज़ का असर होता है। वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्लांट कितनी ग्रोथ करेगा, ज़रूरी नहीं कि सारे प्लांट एक साथ एक जैसा ही ग्रो करें। तो वो हमको फिर भी आप लगभग इतनी बड़ी सीडलिंग को भी आपको कम से कम 4 घंटे की ही धूप देनी है, बहुत ज़्यादा धूप देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एरिया नहीं है इनको ऐसी जगह शिफ्ट करने का, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर इनको लगभग फुल सनलाइट ही लगती है, मतलब हाफ लगती है, छन करके लगती है इसलिए हाफ ही लगती है। तो पूरे दिन भर की धूप लेकिन लगती है। तो जितनी भी मेरे यहाँ पर सीडलिंग आप देख रहे हैं इनको इसी तरह से लगती है। अब पानी की बात करते हैं, तो पानी आप इसको, इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बना के रखिए, हमेशा मतलब सुबह टाइम या शाम के टाइम एक बार आपको पानी ज़रूर दे देना है प्लांट में। शाम के टाइम कब देंगे आप, जब आपके प्लांट की मिट्टी ठंडी हो जाए, प्लांट ठंड मतलब धूप एकदम से कम हो जाए, दिन डूब जाए और शाम हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाए, तब आप पानी दीजिए, थोड़ा मिट्टी इसकी ठंडी हो जाए तब दीजिए। गर्म मिट्टी में आप पानी डाल देंगे तो इसका कोडेक्स ख़राब हो जाएगा, जो छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो फर्टिलाइज़र आप इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी कर सकते हैं, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसके मिट्टी में भी डाल सकते हैं, या तो आप उसके ग्रेन्यूल को इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। तो मैंने वही अभी कुछ टाइम पहले दिया, उसके बाद से इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी निकल करके आ रही है। तो सीविड एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है और जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होने लगे तो उस टाइम पे भी मैं आपको बता दूं आप इसके कोडेक्स को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो कोडेक्स के लिए आप बोन मिल भी दे सकते हैं, लेकिन बोन मिल छोटे छोटे पॉट्स में मिलाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2-2 दाने, सिर्फ 2-2 दाने, ज़्यादा आपको नहीं देना है, सिर्फ 2-2 दाने DAP के आप डाल सकते हैं इसके कोडेक्स को थोड़ा मोटा करने के लिए। तो वो आपको अभी नहीं करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, जब मैं डालूँगी अपने प्लांट में तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से इसकी केयर आप अभी कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम से फुल ओपन सन में इनको नहीं छोड़ना है और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, सुबह से 11 बजे तक की धूप इनमें लगती है तो अच्छा है, क्योंकि 11 बजे तक की धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है इस समय कि प्लांट बर्न होने लगते हैं। तो ये तो छोटे छोटे सीडलिंग है, इन पर भी असर पड़ता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो जैसे जैसे मैं अपने प्लांट की केयर करती रहूँगी तो मैं इसी तरह से अभी करती हूँ, वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर देखिए जिनकी मैंने पिंचिंग की थी वो प्लांट कितने ज़्यादा घने हो रहे हैं, एक एक प्लांट में कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, और जिनको पिंच नहीं किया है वो सीधे सीधे सिंगल स्टेम ही जा रही है उनकी। तो बस यही होता है, पिंचिंग करने में भी हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा घना हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। तो आप भी चाहे तो पिंचिंग करके उस प्लांट को आप घना बना सकते हैं। ये देखिए जिन जिन प्लांट को मैंने पिंच किया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस उसमें डेवलप हो गई हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने प्लांट को हेल्दी रखिए, थोड़ा सा केयर करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपकी सीडलिंग बहुत अच्छी हेल्दी रहेगी और बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेगी।
रिपोर्टिंग के समय जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, इनको जब आप दूसरे पॉट पे शिफ्ट करते हैं तो उनका रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप सीडलिंग ट्रे में सीडलिंग को मतलब सीड को ग्रो करिए, उससे आसानी ये होगी कि जब भी आप रिपोर्ट करेंगे तो आप सीडलिंग ट्रे से उसका पूरा रूट बॉल सहित निकाल करके दूसरे प्लांट पर ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसका रूट बॉल खुलना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, पूरे रूट्स ओपन करके जब आप रिपोर्ट कर लेते हैं तो प्लांट या तो पीला होकर के मरने लगता है और या तो उसको सर्वाइव करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वो लगभग 2 महीना स्ट्रेस में रहेगा और उसके बाद फिर ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगा, लगभग 2 महीने पीछे चला जाता है प्लांट अपनी ग्रोथ से। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे, पानी हमेशा देखिए मैंने किस तरह से मॉइस्चर बना के रखा है। एक दो प्लांट में लगता है भूल गई, इसमें देखिए सूखी हुई है, लेकिन ऊपर से सूखी है, नीचे तब भी थोड़ा सा मॉइस्चर है अभी इसमें, तो चल जाएगा। शाम को मैं इसको पानी दे दूंगी। तो जैसे ही आपको इस तरह से ड्राई लगे आप बिल्कुल ऊपर से पानी दे दीजिए। छोटे छोटे ग्लासेस में लगे हैं देखिए, तो इनमें ओवर वाटरिंग होने का कभी सवाल ही नहीं उठता। इससे इसमें इतना ज़्यादा पानी होगा ही नहीं कि प्लांट हमारा ख़राब हो सके। तो बस बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको सीडलिंग को। सीडलिंग को आप हमेशा छोटे पॉट में लगाइए, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाए। जैसे देखिए इनका कोडेक्स कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे हेल्दी कोडेक्स हो रहे हैं ये देखिए। तो अब हम इनको 1 महीने बाद हम इनको लगभग 5 इंच के पॉट में शिफ्ट कर देंगे, तो उसमें ये अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी मतलब इसकी जो ग्रोथ है इसका कोडेक्स बहुत अच्छा निकल करके आएगा। तो धीरे धीरे आप उसको ट्रांसप्लांट करते रहिए। बारिश में आपको अडेनियम को कभी भी रिपोर्ट नहीं करना होता है, तो वो चीज़ें सब मैं आपके साथ बाद में शेयर करती रहूँगी। बस थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ जाएँ कि अडेनियम को किस तरह से ग्रो करना है। पॉटिंग मीडिया आपको बहुत ही वेल ड्रेन बनाना होता है, बहुत ही अच्छा मतलब उसमें एनर्जी भी हो और साथ में वो वेल ड्रेन भी हो, इस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाया जाता है इसका। तो उसके लिए आप सैंड ले सकते हैं, जो बजरी वाला कंस्ट्रक्शन वाली जो सैंड होती है मोटी वाली, वो वाली सैंड आप एक पार्ट ले सकते हैं, एक पार्ट आप उसमें राइस हस्क ले सकते हैं, एक पार्ट ये दो पार्ट कोकोपीट ले सकते हैं। सीडलिंग के लिए थोड़ा सा कोकोपीट का होना ज़रूरी होता है क्योंकि इसको मॉइस्चर पसंद होता है और कोकोपीट थोड़ा सा मॉइस्चर को बना के रखता है। तो कोकोपीट आप 2 भाग उसमें ले सकते हैं, लगभग 10% या 5% आप उसमें कंपोस्ट ले सकते हैं, 5% बोन मिल ले सकते हैं, 5% नीम खली ले सकते हैं। इस तरह से मिला करके आप इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करिए, फिर देखिएगा आपके प्लांट कितने हेल्दी रहते हैं। तो अगर आपको अडेनियम का शौक है तो आप थोड़ी सी केयर करके अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।